हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और पैसा मेकर स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है मास MAS फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक गुजरात बेस्ड NBFC है और इसकी खास बात यह है कि जनरली जो लेंडिंग करती है इट इज़ लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे शॉप ओनर्स या जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहते हैं, दे आर लेंडिंग टू सच माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एज वेल। उसके अलावा होम लोन्स भी करती है और कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर लोन्स भी देती है ये कंपनी। ये कंपनी करीब 9 स्टेट्स में उनके अप्रॉक्सीमेटली 180 ब्रांचेज है और ये जो ब्रांचेज है और जो स्टेट्स है दे आर ऑल अराउंड गुजरात और धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इन टू अदर स्टेट्स एज वेल। देखिए, ये NBFC का बिजनेस है स्पेशली लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये काफ़ी डिफिकल्ट बिजनेस है और यहाँ पर बैंक्स भी जनरली लेंड नहीं करती है, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ यू नो वॉइड दैट दिस कंपनी इज ट्राइंग टू फिल, कि जहाँ पर बैंक्स और लार्जर NBFCs लेंड नहीं करती है उन लोगों को, उन एंटरप्राइजेस को बराबर तरीके से असेस करके ये कंपनी उनको पैसा देती है एज वर्किंग कैपिटल और फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस। और इसके लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं क्योंकि जनरली बैंक रेट्स, बैंक्स इनको लोन नहीं देती है तो दे कैन ऑलवेज चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स। और इसकी वजह से मास फाइनेंशियल सर्विसेज की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी हाई है, अराउंड 7-8% और देयर अबाउट। अभी ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, कम से कम 25 साल से ऑपरेशन में है और 25 सालों में भी उन्होंने कभी भी ऐसी कोई पीरियड नहीं आया है जहाँ पर उनके बैड लोन्स है, यानी कि NPAs है, दैट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर NBFCs में लेंडिंग करती है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इज़ कलेक्शन। और ये कंपनी जो कि कलेक्शन स्ट्रैटेजी है, ये कंपनी की जो कलेक्शन रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही बढ़िया है। और इसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी कि बैड लोन्स है, दैट ऑलवेज हैज बीन अराउंड 2% और सो, और प्रोविजन करने के बाद दैट कम्स डाउन टू एज लो एज 1-1.5% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट व्हिच दे हैव लेंट टू ऑल देयर बोरोवर्स। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया पैसा मेकर स्टॉक है क्योंकि आसानी से इस कंपनी में 15-25% की ग्रोथ रेट्स आ सकती है। मैनेजमेंट खुद कह रही है कि दे आर टारगेटिंग अबाउट 20% लोन ग्रोथ, और जितनी भी लोन ग्रोथ आती है टिपिकली उतना उनका नफा भी बढ़ सकता है। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 4-5 years दिस कंपनी कैन ईजिली ग्रो एट 15-20% कंपाउंड। इस कंपनी की एक और खास बात यह है कि पिछले 4-5 सालों में कई डिस्ट्रप्शंस आए हैं इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट फ्रॉम COVID-19, ILFS क्राइसिस, डीमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, और ऐसी सभी क्राइसिस मूमेंट्स में इस कंपनी की जो कलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड थी वो तब भी बहुत ही अच्छी थी। और ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेनेवर ये जो NPA साइकिल या बैड लोन्स की जो साइकिल है वो टर्न होगी टू द नेगेटिव, दिस कंपनी विल बी सर्टनली एबल टू यू नो मेंटेन और मैनेज इट्स कलेक्शंस और कीप द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स अंडर कंट्रोल। इस कंपनी की कैपिटल पोजिशन भी बहुत ही बढ़िया है और जो RBI कहती है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, that is in excess of 25%, इसका मतलब बिना कैपिटल रेज किए ये कंपनी आसानी से अपनी टारगेट्स जो है 15-20% लोन ग्रोथ है वो आसानी से वो कर पाएगी। मास फाइनेंशियल के शेयर प्राइस आपके स्क्रीन पर है और इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है इसकी वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर NBFCs। और ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, इस कंपनी को स्टडी कीजिए और फिर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय में MAS फाइनेंशियल, मास फाइनेंशियल एक पैसा मेकर स्टॉक है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.